अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका अपना अस्कर अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल बाजवा चैनल। भाई आज हम कैमरा टेस्ट करने वाले हैं भाई, यहां पर स्पार्क्स न्यू 5 प्लस का यहाँ पर देखेंगे भाई कैसा है ये फ़ोन और कैमराज में कैसा है ये फ़ोन। ये सारा कुछ डिटेलिंग हमने डे एंड नाइट सैंपल्स लिए हैं दोस्तों। बाहर जाकर आउटडोर सैंपल्स हैं और यहाँ पर रूम लाइट सैंपल्स हैं, लो लाइट सैंपल्स हैं। आपको बिल्कुल डिटेल से बताएंगे कि कैमरा सैंपल्स फोटोज़ में कैसा है, वीडियोज़ में कैसा है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा भाई। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिएगा ताकि हमारी जो अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ कंपेरिजन्स टेक न्यूज़ सारी किस्म की वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहां पर बैक पर जो कैमराज है दोस्तों, बैक पर ड्यूअल कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का यहां पर कैमरा दिया गया है, ड्यूअल कैमरा। और इस फोन में फ्रंट कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल का ही लगाया गया है। अब बैक एंड फ्रंट हमने सैंपल्स लिए, तो सबसे पहले डे लाइट देखें फोटोज का मामला। तो फोटोज आपको यहां पर डिफरेंट क्वालिटी में नजर आएंगी, पोर्ट्रेट शॉट्स भी नजर आएंगे, काफी शॉट्स हैं दोस्तों बैक कैमरा में डिफरेंट कंडीशन में। तो ज्यादातर दोस्तों पिक्सल स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादातर नहीं नजर आए दोस्तों, क्योंकि यहां पर भाई आपको फीके कलर्स काफी जगह पर नजर आए और कलर को स्टेबल नहीं कर पाता दोस्तों। और पिक्सल क्वालिटी भी नॉर्मल, 13 मेगापिक्सल का कितना हाई क्लास का रिजल्ट दे देगा भाई। तो यहां पर समझ लें डिजाइन का लॉलीपॉप देकर आपको कैमरास जो हैं वो इतने खास नहीं दिए गए। बैक पर डे लाइट में कहीं कहीं पर ठीक लगा रिजल्ट दोस्तों, कहीं पर ठीक कलर्स आ रहे थे, कहीं पर कलर थोड़े से चेंज किए जा रहे थे। तो बहरहाल भाई ऑप्टिमाइजेशन में बहुत काम करने की जरूरत है स्पार्क्स को। लो लाइट में भी देखेंगे, लो लाइट में कुछ सैंपल्स आपको दिखाएंगे तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि यहां पर सैचुरेशन और कलर प्रोडक्शन जो है उस पर काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है, मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा भाई। और फ्रंट कैमरा देखें 8 मेगापिक्सल का है। तो यहां पर दोस्तों आपको फ्रंट कैमरा में ज्यादा, बैक कैमरा से फ्रंट कैमरा में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है स्पार्क्स को। फ्रंट कैमरा कुछ गुजारा कर जाएगा, यहां पर पोर्ट्रेट शॉट्स भी देखें डेलाइट में आप नॉर्मल डिक्लेयर कर सकते हैं दोस्तों। कैमरास प्राइस रेंज के हिसाब से कहीं कहीं पर एक्सेप्ट भी कर सकते हैं हम इसे, लेकिन भाई सच बताना भी जरूरी है कि कितने कलर्स ठीक है और क्या मामला सारा कुछ। तो नॉर्मल है दोस्तों, लो लाइट में फ्रंट देखेंगे तो आपको यहां पर ठीक कहीं पर दिखाई देगा और कहीं पर रिजल्ट जो है वो बिल्कुल ही दोस्तों यहां पर पिक्सल स्टेबल नहीं कर पाता, अजीब से कलर्स दोस्तों बैक साइड पर आपको दिखाई देंगे। लो लाइट में तो ये काफी मामला आता है दोस्तों, और यहां पर फ्रंट जो कैमरा है बैक से ज्यादा फ्रंट में मसले नजर आया मुझे। तो आप सैंपल्स देकर खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो इस फ़ोन का बैक कैमरा 1080p में यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये फोकस देखिए, बैक कैमरा की क्वालिटी थोड़ी लो है। ये देखिए चेहरे जो है वो स्मूथनेस यहाँ पर नज़र आएगी और पिक्सल क्वालिटी आपको खास नज़र नहीं आ रही, फोकस का इशू नज़र आएगा और कलर करेक्शन इसमें बेहतर करने की ज़रूरत है। बहरहाल भाई स्काई का कलर देखिए और यहाँ पर बिल्डिंग का कलर देख सकते हैं आप, तो आपको नॉर्मल कहीं पर डार्क ही नज़र आएगा। बहरहाल ये आप प्लांट का कलर देखें, ग्रीनरी भी आपको ओरिजिनलिटी बैक कैमरा में इतनी खैस दिखाई नहीं देगी और स्टेबलाइजेशन शेकिंग करता हुआ थोड़ा सा कैमरा नज़र आएगा दोस्तों। बहरहाल आप बताइएगा कमेंट्स में। फ़ोन का लो लाइट में कैमरा है ये देख सकते हैं, माइक की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा भाई लाइट्स हमने काफ़ी जलाई हुई हैं, लेकिन रिजल्ट आप देखिएगा तो आपको नॉर्मल ही लगेगा दोस्तों। फीके कलर्स आपको दिखाई देंगे, कुछ शार्प कलर भी हों, चाहे 13 मेगापिक्सल का कैमरा है तो कुछ शार्प कलर दिखाई देने चाहिए। यहाँ पर कुछ शार्प कलर, फोकस का थोड़ा सा इशू लग रहा है दोस्तों, फोकस में भी मसला लग रहा है। यहाँ पर कलर्स देखिएगा, शर्ट से कलर भी देखिए और यहाँ पर कर्टन से कलर्स भी देखिए। तो ये यहाँ पर बिल्कुल वाइट कर गया, ये देखिए अभी फोकस किया तो अभी कलर चेंज कर दिया है, तो ये नॉर्मल रिजल्ट है। मज़ीद आप बताइएगा कैसा रिजल्ट है। कैमरा यहाँ पर फुली डे लाइट में हम टेस्ट कर रहे हैं और माइक की क्वालिटी आप ज़रूर चेक करिएगा। यहाँ पर रिजल्ट देखिए, कुछ वाइटनेस चेहरे पर दिखाई दे रही है और स्टेबलाइजेशन जो है इतनी खास नहीं है। जाहिर सी बात है सस्ता फ़ोन है, स्टेबलाइजेशन इतनी होती नहीं है, बट यहाँ पर रिजल्ट और कलर चेंजिंग जो है कुछ, कहीं पर डार्क शेड और कहीं पर वाइट शेड आ रहा है। और बहरहाल यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिजल्ट में जो है 1080p फ्रंट कैमरा है, यहाँ पर बैक ऑफ सनलाइट और फ्रंट ऑफ सनलाइट कुछ ऐसा रिजल्ट है, नॉर्मल क्वालिटी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। कैमरा इस फ़ोन का और ओवरऑल यहाँ पर देख सकते हैं भाई कि फ्रंट कैमरा में आपको कैसा रिजल्ट दिखाई दे रहा है। मुझे काफ़ी पिक्सल स्टेबल दिखाई नहीं दे रही, ये देख सकते हैं आप फीके कलर्स दिखाई दे रहे हैं। नॉर्मली हमने काफ़ी लाइट्स चलाई हुई हैं भाई, बिल्कुल अंधेरा नहीं किया हुआ, लाइट्स चल रही हैं ये देखिए काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर
सॉफ्ट बॉक्स भी चल रहे हैं, फिर भी उसके साथ साथ आप देखिए कि रिजल्ट में आपको कैसा डिफरेंस, पिक्सल बिल्कुल वीक क्वालिटी आपको दिखाई देगी। मजीद आप देख सकते हैं कैसा माइक है और क्वालिटी कैसी नज़र आ रही है। उसके बाद फ़ोन में स्लो मोशन का भी ऑप्शन दिया गया, आप देख सकते हैं स्लो मोशन अच्छी तरीके से। दोस्तों रिजल्ट जो है वो नॉर्मल ही दिखाई देगा दोस्तों, ज़ाहिर हाई क्वालिटी का रिजल्ट तो नहीं होने वाला कम पैसों में। दोस्तों अब 960 FPS स्लो मोशन नहीं देंगे, बहरहाल नॉर्मल आप डिक्लेयर कर सकते हैं। और कैसा स्लो मोशन है यह आप बताइएगा। मोर ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलते दोस्तों, नॉर्मली ऑप्शन है। वीडियो 1080p में रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सब आपके सामने। तो प्राइस रेंज के हिसाब से जो कमियां थी वो आपको मैंने बता दी। भाई यहां पर UI पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, यहां पर ऑप्टिमाइजेशन बेहतर करनी पड़ेगी, प्रोसेसर को और ज्यादा बेहतर करना पड़ेगा GPU को, ताकि जो है वो रिजल्ट को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। तो स्पार्क्स जो है वो कलर ऑप्टिमाइजेशन और यूजिंग इंटरफेस पर बहुत ज्यादा काम करे तो ज्यादा कैमरा बेटर हो सकता है। अब आपकी क्या राय इस फोन के बारे में, इस कैमरा के बारे में, यह कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भाई नेक्स्ट वीडियो को ले जाता हूं आपसे इजाजत, अल्हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।